नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज ऑफ भारत में आपका स्वागत है और हम दिखाते हैं सच। देखिए दबंगों का खूनी संघर्ष। खबर गोंडा जिला से है, जहां नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले में गेट लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि एक पक्ष अपने घर पर गेट लगवा रहा था, जिसका पड़ोस के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तभी विरोधियों ने पीड़ित पक्ष पर धावा बोल दिया और ईंट पत्थरों व लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें तीन लोगों को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि रवि, विनय व अजय मिश्रा नामक दबंगों ने 14 वर्षीय प्रिंस मिश्रा की फावड़े से गला काटने और जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं हो सके। पीड़ित पक्ष ने जब इसकी शिकायत नगर कोतवाली में की तो पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते दबंगों ने पीड़ित पक्ष को जान से मारने की लगातार खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन नगर कोतवाली पुलिस शायद एक के बाद एक और घटना होने का इंतजार है। जी, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। कल हमारे घर पे हमारा गेट लग रहा था, तो हमारे जो पड़ोसी लोग थे वो आके विवाद करने लगे। हमारा जो कि लगा था वो पिलर, उसको उखाड़ने लगे। उसी विवाद पे हमारी मम्मी को लोग मारने लगे, और हम सब कम से कम 10-12 लोग थे पूरे घर भर, और मिलकर हमको लोग को मारे, हमारी गला रेंधने की कोशिश किए। जब तक हमारे मामा पहुँचे, मामा बचाने के लिए उनके सिर पर चक्कू मार दिया गया। अब जब उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, आज सुबह उनको देखे बिना कोई पुलिस सुरक्षा के वो लोग जिला स्थान में घूम रहे थे। जब हमारे पापा ने वीडियो बनाना शुरू किया तो वो लोग कह रहे थे कि सुलह हो जाओ, नहीं तो जान से मार डालेंगे। अपने मुँह से अंगोछा हटा के कह रहे हैं, लो हमारा वीडियो बनाओ, कह रहे हैं हमारा वीडियो बनाओ, और जान से मारने की धमकी दे मिल रही है उनको लोग। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले की घटना संज्ञान में आई है और इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली नगर का मामला है और इसमें गेट लगाने को लेकर दो पट्टीदारों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष में चोट आई हुई है, उनको काफ़ी सीरियस चोट है। तो अभी उनका अभियोग पंजीकृत हो गया है और सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से महेंद्र मिश्रा के साथ बाकर अली खान की रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। और देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज अब भारत चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।